गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको उसी के आगे बताया जाएगा प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, आकृति बनी हुई है, यदि ए बी समांतर सी डी, ई एफ लंब है सी डी पर और कोण जी ई डी बराबर दिया है 26 अंश, तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ, कोण एफ जी ई के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में आकृति बनी हुई है वो हम बनाते हैं। दो रेखाएं हैं जो कि पैरेलल है, ये दो रेखाएं समांतर हैं जिनके नाम दिए हैं, ये रेखा ए है तो ए बी है, ये रेखा सी डी है। ठीक, इसके बाद एफ ई के साथ 90 अंश का कोण बनता है, ये एफ है और ये ई है। ठीक है, इसके बाद यहां से एक किरण आती है जी ई, ये क्या है जी ई है, जी ई है। ठीक, अब हमें इसमें दिया है, इसमें दिया है ए बी समांतर सी डी है, इसके बाद ई एफ, ई एफ लंब है सी डी पर, ये प्रश्न में ही दिया है। इसके बाद कुछ कोण दिए हैं, कोण जी ई डी, कोण जी ई डी, जी जी ई डी का मान दिया है 126 अंश, ये सब प्रश्न में दिया है। इसके बाद कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ, कोण एफ जी ई निकालना है। तो हम देखते हैं जो निकालना उसको देख लीजिए, कोण ए जी ई, कोण ए जी ई बराबर ज्ञात करना है, कोण जी ई एफ ज्ञात करना है, कोण जी ई एफ बराबर ज्ञात करना है और कोण एफ जी ई ज्ञात करना है, कोण एफ जी ई बराबर हमें ज्ञात करना है। तो आज सॉल्यूशन में हल में प्रश्न में दिया है जी ई बी बराबर है 126 अंश, कोण जी ई बी बराबर दिया है 126 अंश। ध्यान दीजिए जी ई डी दिया है 126 अंश, तो यहां पर देखते हैं अगर हम जी ई को तिर्यक रेखा मान लें तो तिर्यक रेखा के एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि यह है कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा, यह है कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा, तो कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी एकांतर कोण है और जी ई डी का मान दिया है 126 अंश। जो कोण यह होगा वही कोण यह होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हम यहां ले सकते हैं कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी एकांतर कोण, और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, क्योंकि ए बी और सी डी समांतर है, जी ई को हम तिर्यक रेखा मान लेते हैं, तो उस स्थिति में कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब कोण बराबर है, ए जी ई और जी ई डी बराबर है, तो जो मान जी ई डी का होगा वही मान ए जी ई का होगा, इसलिए कोण ए जी ई बराबर हो जाएगा 126 अंश, एक कोण आपको मालूम हो गया है। ठीक है ना, इसके बाद दो कोण और बचे हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि जी ई डी, जी ई डी के अंतर्गत दो कोण है,
कोण है जी ई एफ है और एक कोण एफ ई डी है, तो हम यहां ले सकते हैं कोण जी ई डी बराबर कोण जी ई डी बराबर कोण हो जाएगा जी ई एफ कोण जी ई एफ और प्लस कोण एफ ई डी कोण जी ई डी के स्थान पर कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी दे सकते हैं। तो जी ई डी का मान दिया है 126 अंश, यानी देते हैं 126 अंश बराबर कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी दिया है 90 अंश, भी हो जाएगा 90 अंश। तो 90 प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 126 अंश माइनस 90 बराबर हो जाएगा कोण जी ई एफ, घटा दीजिए 6 आ जाएगा, 9 में 12 12 9 में 3 36 आ गया बराबर कोण जी ई एफ, यानी एक कोण आपको और मालूम हो गया है कोण जी ई एफ बराबर 36 हो गया, कोण ए जी बराबर 126 हो गया। अब आपको कोण निकालना है कौन सा, एक और रह गया ना कोई ए जी ओ एफ जी ई, एफ जी का ये है, ये कोण निकालना है, ए जी ई मालूम हो गया, एफ जी ई मालूम हो गया, एफ जी ई निकालना है, तो इसको हम निकाल देते हैं। देखिए कोण ए जी ई प्लस कोण जी ई डी, नहीं कोण ए जी ई प्लस कोण जी ई एफ, ये हो जाएगा, ये रैखिक कोण है ए जी ई और कोण जी ई एफ, ये क्या है रैखिक कोण नहीं, ए जी ई और एफ जी ई हो जाएगा, कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई, ये दो कोण एक ही लाइन में है ना, ये ए बी एक लाइन है, ये मान लेते हैं ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन पर जी ई लाइन बाइसेक्ट करती है, तो कोण ए जी ई और प्लस कोण एफ जी ई बराबर हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, क्या लिखेंगे कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर हो गया 180 अंश, कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश, क्योंकि रैखिक युग्म। अब आपको एफ जी ई का मान दिया है, एफ जी ई ओ ए जी ए जी का मान दिया है 126 अंश, याद रख देते हैं 126 प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश, तो कोण एफ जी ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126 अंश, कोण एफ जी ई बराबर घटा दीजिए 10 में 6 गए 4 और 7 में 2 गए 5 54 अंश, तो कोण एफ जी ई बराबर भी 54 अंश आ गया। तो इस तरह से तीनों कोण आपको मालूम हो जाते हैं, ठीक है। आप जो है ये प्रश्न नंबर 3 हो गया, अब आपको बताना है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न चार है, बहुत ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकृति बनी हुई है, पी क्यू और एच की समांतर है, तो हम ठीक बना लेते हैं,
ये चित्र है, इनके नामकरण ये है पी, ये है क्यू, ये है आर और यह है एस, ये है टी। यह कोण दिया है, यह कोण दिया है, क्या दिया है, यह दिया है 110 अंश और यह दिया है 130 अंश, इतना है ठीक है। तो प्रश्न में दिया है पी क्यू, पी क्यू समांतर एस टी, पी क्यू एस टी के समांतर है और कोण आर एस टी, कोण आर एस टी बराबर दिया है 130 अंश और कोण पी क्यू आर ओ निकालना क्या है, कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस का मान निकालना है और कोण पी क्यू आर भी दिया है 110 अंश, कोण पी क्यू आर बराबर दिया है 110 अंश। सोल्यूशन में जाइए, सोल्यूशन में हमें ऐसा करना है कि बिंदु आर से एक्स वाई एक रेखा खींचते हैं, संकेत दिया आप इसमें बिंदु आर से एक्स वाई, आर से एक्स वाई एक रेखा खींचते हैं, वो जो है एक्स वाई एक्स टी और पी क्यू समांतर हो जाती है, यानी एक्स वाई समांतर पी क्यू और समांतर एस टी हो जाती है ठीक। जब एक्स वाई पी क्यू समांतर है, एक्स वाई जो है इस पर जाते हैं, पहले एक्स वाई समांतर एस टी रहते हैं ठीक। अब पी क्यू समांतर एस टी ने दिया है पी क्यू समांतर एस टी और एक्स वाई समांतर एस टी, क्या हो जाएगा पी क्यू समांतर एक्स वाई हो जाएगा। अब पी क्यू समांतर एक्स वाई हो जाएगा ठीक। तो यह है समीकरण एक था, यह समीकरण दो था, यह समीकरण तीन हो गया है ठीक है। इसके बाद अब समीकरण एक को तुलना कर लिया हमने, समीकरण एक व दो से जो समीकरण एक और दो से तुलना करते हैं तो पी क्यू समांतर एक्स वाई हो जाता है। इसके बाद जब याद रखिए, जब एक्स वाई समांतर एस टी है, जब एक्स वाई समांतर एस टी रहते हैं, यानी एक्स वाई समांतर एस टी रहते हैं, तो जब एक्स वाई समांतर एस टी होता है तो देखते हैं कोण आर एस टी और कोण एस आर वाई दोनों अंतः कोण है और अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश, कहते हैं कोण आर एस टी प्लस कोण एस आर वाई बराबर हो गया 180 अंश, देंगे एकांतर अंतः को, एकांतर अंतः को। अब यहां पर आर एस टी का मान दिया है 130 अंश, 130 प्लस कोण एस आर वाई बराबर हो गया 180 अंश, तो कोण एस आर वाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 तो कोण एस आर वाई बराबर हो गया 50 अंश। एस आर वाई यह कोण आपको मालूम हो गया कितना 50 अंश। इसके बाद आप जब पी क्यू समांतर एस वाई रहते हैं, जब पी क्यू समांतर एक्स वाई
तो जब पी क्यू समांतर एक्स वाई लेते हैं तो यह कोण ए सदस है और यह कोण कितना हो जाएगा, ये क्यू आर एस हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, एक अंतर कोण हो जाएगा, यानी कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर वाई, बराबर कोण क्यू आर वाई, यानी कोण जब पी क्यू समांतर एक्स वाई लिया है तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर वाई, यानी ये पूरा कोण, ये कोण हो गया बराबर, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब ध्यान ये देना है कि कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर वाई के स्थान पर कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर वाई लिख सकते हैं, लिख दीजिए कौन सा क्यू आर वाई, क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर वाई, ठीक। पी क्यू आर मान दिया है 110 अंश, बराबर क्यू आर एस नहीं दिया, कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर वाई दिया है 50 अंश, ये 50 प्लस का है जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 110 माइनस 50 बराबर कोण क्यू आर एस, तो ए से 10 50 गए 60 अंश बराबर कोण क्यू आर एस, जैसा निकालना था क्यू आर एस का मान, ठीक, ये आपका आंसर हो गया, ठीक, समझाया। यहां ध्यान दीजिए, जब हमने पी क्यू समांतर एक्स वाई लिया है तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर वाई होगा, क्योंकि क्यू आर को हम मान लेते हैं तिर्यक रेखा, उस स्थिति में एकांतर कोण बन जाते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो हमने कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर वाई लिख दिया है। इसके बाद क्यू आर वाई में दो कोण आते हैं, कोण क्यू आर एस आता है और कोण एस आर वाई आता है, तो हमने ये लिख दिया, इसके मान मान रख दिया एस आर वाई का और हमने क्यू आर एस का मान निकाल लिया है, ठीक। यही प्रकार से सॉल्व की जाती है, ये दो सवाल लगा दिए गए हैं, वीडियो को ए से दो बार देखिए तभी सवाल समझ में आएगा और नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक है, धन्यवाद।